हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज हम लोग आपको 13149 कांचनकन्या एक्सप्रेस का एक डिटेल जर्नी दिखाने जा रहे हैं सिलीगुड़ी तक। हमारे साथ इस डिजिटल जर्नी के लास्ट तक बने रहिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस के लिए। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं एक लाइक के साथ। अभी हम लोग शियालदह रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे हैं। शियालदह स्टेशन पर एंटर कर रहा है। शियालदह से इस ट्रेन का शेड्यूल डिपार्चर टाइम है शाम के 8:35। इस ट्रेन में एक हाफ कोच है जो फर्स्ट एसी और सेकंड एसी कोच मिक्स्ड है, और एक सेकंड एसी का कोच है, 4 थर्ड एसी का कोचेस है और 9 स्लीपर क्लासेस का कोचेस है। आज हम लोग कांचनकन्या एक्सप्रेस के सेकंड एसी में ट्रैवल करने जा रहे हैं। तो चलिए आपको कोच के इंटीरियर दिखाते हैं। ये है इस ट्रेन का सेकंड एसी के कोच का इंटीरियर। और एक अच्छा बात कि आफ्टर कोविड रेलवेज ने फाइनली कर्टेंस भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। अभी आपको ट्रेन में बेड रोल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो फाइनली अभी हम लोग शियालदह स्टेशन से डिपार्ट कर रहे हैं। ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम है। अभी हम लोग विधाननगर रोड स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम लोग दक्षिणेश्वर स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। तो फाइनली अभी हम लोग बर्धमान स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। ट्रेन अपने शेड्यूल टाइम से 5 मिनट्स लेट है। देखते हैं आगे हम कितना बजे तक पहुंचते हैं। तो चलिए आपसे डायरेक्टली नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिलते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग आलुआबाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। ये स्टेशन किशनगंज के बाद इस ट्रेन का इमीडिएट नेक्स्ट हॉल्ट स्टेशन है। अभी तो बाहर पूरा क्लाउडी है, एनी टाइम बारिश होने का पूरा चांसेस है। तो फाइनली जिसका इंतज़ार था वही हुआ, बारिश स्टार्ट हो गई। और बारिश में ट्रेन जर्नी का एक अलग ही मज़ा है। अभी हम लोग ठाकुरगंज स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। ट्रेन अभी 20 मिनट्स लेट चल रहा है।
बाहर का एटमॉस्फेयर जस्ट ऑसम है, ये ट्रेन जर्नी बहुत ही एंजॉयबल है। यहाँ से आप अपने दोनों साइड्स पर टी गार्डन्स को देख पाएंगे। ट्रेन पूरा टी गार्डन्स के बीच से होके जा रहा है। मेरे साथ इस ऑसम एटमॉस्फेयर और ये ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय कीजिए डिजिटली और इस नज़ारे का लुफ्त उठाइए। अभी हम लोग बागडोगरा रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। ये नॉर्थ बंगाल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। तो फाइनली अभी हम लोग सिलीगुड़ी जंक्शन पर पहुंच चुके हैं। आज का हमारा ट्रेन का जर्नी यहीं तक था। हमारे साथ बने रहिए ये देखने के लिए आज हम लोग आगे कहां तक जाते हैं और ट्रेन यहां पर 15 मिनट्स लेट पर पहुंची है। इस ट्रेन के बारे में अगर बात करें तो इसमें सब कुछ सही था, लेकिन इसका कोच का कंडीशन बहुत ही खराब है। एक्सेसिव नॉइजी विद टू मच जर्किंग, ये चीज़ मुझे एकदम ही पसंद नहीं आई। सेकेंड एसी का कोच इतना वर्स्ट कैसे हो सकता है? आप यहीं से दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं सिलीगुड़ी स्टेशन से। ये है सिलीगुड़ी स्टेशन का बाहर से व्यू। यहाँ से आज हमको रावांगला जाना था सिक्किम में, तो इसके लिए हमको नामची स्टैंड पर जाना पड़ा जो सिलीगुड़ी स्टेशन के जस्ट बाहर है। वहाँ पर जाने से हमें पता चला कि रावांगला का जो कार है वो 1 बजे के बाद ही मिलता है और अभी टाइम हो रहा था सुबह के 9 बजे। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एक कार ने एग्री किया कि वो जाएंगे हमारे साथ रावांगला तक, लेकिन उसका फेयर हमसे लिया गया 6,000 रुपीज़ फॉर रावांगला ड्रॉपिंग एक बुलेरो के लिए, जो बहुत ही हाई रेट था। लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आप लोग अगर यहाँ आ रहे हैं तो इस बात को ज़रूर नोट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कीजिए। नामची टैक्सी स्टैंड से रावांगला तक का डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 114 किलोमीटर्स और नियर अबाउट 4 आवर्स तक लगता है इस जर्नी में। अभी हम लोग रावांगला की तरफ हमारा जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। फाइनली हिल्स भी दिख गया और हिल्स को देखकर एक अलग ही आनंद आता है। यहाँ से कुछ ही दूर तक तिस्ता रिवर हमारे साइड से चलेगा। ये सब रोड्स में ट्रैवलिंग करना बहुत ही ऑसम है। आई होप आप लोग भी डिजिटली एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ये है कालिंपोंग गेट,
अगर आप कालिंपोंग जा रहे हैं तो आपको यहीं से जाना होगा। तीस्ता ब्रिज को क्रॉस करते ही आप डायरेक्टली सिक्किम में एंटर हो जाएंगे। अभी हम लोग सिक्किम में एंटर होने जा रहे हैं। यहाँ से आगे का जर्नी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे रावांगला के टूरिस्ट प्लेसेस के साथ। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। और अगर आपको ये डिजिटल जर्नी पसंद आया और आपने एंजॉय भी किया तो इसे ज़रूर एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अंटिल दैट, पीस।